वाहेगुरु जी की फतेह। तुहानूं पता अज जो इत्थे हुणे ही वापरिया, मैनूं लगदा शायद दुनिया च पहली वारी वापरिया। तुसीं ध्यान दित्ता नहीं होएगा शायद, इस धरती उत्ते जिहड़ा अज हुणे ही 5-10 मिनट पहलां वापरिया उह इक इतिहास है। तो मैं वीरां नूं बेनती करांगा कि उस इतिहास नूं अपने कैमरे विच जरूर कैप्चर करो। मैं बेनती करन लगा की सी उह, ता कि सारी लुकाई नूं पता लगे कि यह केवल हकां वास्ते अंदोलन ही नहीं है, ये इंसानियत का एक सोमा वह रहा, एक चश्मा वह रहा जिहदे विच सारी मनुखता नूं एक किया जा रहा। हुणे ही मेरे वीर सरदार अली ने कुरान मजीद की एक आयत बोली सी, कुराने पाक की एक आयत बोली सरदार अली वीर ने। तो दुनिया च शायद पहली बारी होया कि कुरान कुरान की आयत पढ़ी जा रही होवे ते बोले सोने वाले जकारे छड़े जा रहे हो। तुसी कल्ला संघर्ष नहीं कर रहे, तुसी एक इतिहास सिरज रहे हो जड़ा दुनिया के वास्ते एक बहुत कमाल का सिग्नल है। और जड़िया हाकम सौड़िया सोचा लैके 100 साल के एजेंडे बना रहे हैं ना, तुहाडे इस संघर्ष ने रब ने कला वरताई है कि 100 साल के एजेंडिया के उत्ते पानी फेर के रख दिता। एक करामात हो रही है, करिश्मा हो रहा। और इनू बेनती है दुनिया के उत्ते हाईलाइट करो कि कुरान दी आयतां पढ़िया जा रही हों ते बोले सोने उहदी तारीफ विच उहदे तो वारने जांदे होया आ है इंसानियत। मैनू इस भीड़ दे विचों पंडित शिवदत्त दे दर्शन हो रहे हैं, मैनू इस भीड़ दे अंदरों लक्ष्मी ब्राह्मणी दे दर्शन हो रहे हैं, मैनू इस भीड़ दे अंदरों नबी खां गनी खां दे दर्शन हो रहे हैं, मैनू इस भीड़ दे अंदरों पीर बुद्धू शाह जी की रूह नजर आ रही है। कैसा सुमेल बनाया। मैं किसान यूनियन के सारे वीरां नूं नमस्कार करदा, तुहाडी अगवाई बड़ी पवित्र है। और एक एक जकारा कि असीं आहद लैंदे हां कि असीं अपने आगूआं की अगवाई के उत्ते रंचक मात्र शंका नहीं करदे। तुहानूं रब तौफीक दवे, तुसीं नीयत दे नाल सुची अगवाई करो ते सारा काफला, अज तुसीं सारे ही काफला हो, बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह जी का काफला वड्डा हो गया, ते सारा काफला तुहाडी नीयत दे उत्ते कोई शक नहीं करेगा। तुसीं नेक नीयत दे नाल तुरियो, असीं तुहाडी अगवाई दे विच आखरी साहां तक डटे हां इक जकारे नाल उहनां दे हौसले नूं बुलंद करन वास्ते जिहड़े आगू लगे आ। क्योंकि बड़िया साजिशां कीतियां जाणियां ने, नकली सरदार बनाए जा रहे ने, बड़ा धोखा किया जा रहा है, सम दम दंड भेद की नीति जिहड़ी आ पूरे जोरां दे उत्ते आ। और अज दी नहीं है, वह सदियां तो तुरी आ रही है। तो हुण शुक्र है भी जिहड़े साडे आगू ने ना वह भी समझण लग पए आ, हर पक्ष तो समझण लग पए। सुचेत होना, इतिहास सिरजण वास्ते बैठे हो तुसीं, मार के मारन वास्ते बैठे हो, नवीं सफा जिहड़ियां वह कायम कर रहे हो तुसीं। और दुनिया तुहाडे वल वेख रही है, कमाल होई है कि दुनिया दिल्ली के बॉर्डर के उत्ते, भावें वह टिंगरी बॉर्डर है, भावें इहदे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा, जिथे जिथे भी साडे वीर बैठे है, भावें वह MP वाले वीर बैठे है, भावें वह हरियाणे वाले वीर बैठे है। मेरी बेनती है बिहार वाले वीर गए उन्हां नूं कहो आ जाओ, मैं कुछ पल हिंदी दे विच बोलांगा तुहाडे वास्ते कि आपां बैठे किस वास्ते हां जी। बहुत प्रसन्नता है जिथे तुसीं साहबजादियां नूं चेते करदे वैराग विच भरे होए हो, उत्थे मैं समझदा कि अज साहबजादियां दे वारस बन के प्रैक्टिकल रूप विच पोह दीआं रातां दा इतिहास तुसीं दुबारा सिरज रहे हो। जिहड़ा कुछ असीं अखरां नाल बयान करदे सी, तुसीं अपने अमलां दे राहीं उहनूं बयान कर रहे हो। मैं उस 7 दिनां दे इतिहास नूं ज़्यादा बाहर नहीं जावांगा, मैं कोशिश करांगा कि दुनिया दे इतिहास दे अंदर जिहड़ा 7 दिनां दा इतिहास धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज के सरबंश दा, वह की विलखणता रखता है उहदी सांझ तुहाडे नाल पावां। और मैनूं खुशी होएगी जिथे तुहानूं समझ नहीं आउंदी, बिना शक आपां परिवार बैठे हुए हां, कोई उतावलापन नहीं है, कोई व्यथ नहीं है कि कोई विद्वान है तो कोई अनजाणा है। आपां सारे इस बॉर्डर के उत्ते संघर्ष लड़न वाले तुसीं सूरमे, भावें वह हिमाचल तो आए हैं, भावें वह हरियाणे तो आए हैं, भावें वह राजस्थान यूपी तो आए हैं, भावें वह किसी भी खेत्र तो आए हैं, आप एक परिवार बैठे हाँ। तो सानू साडा गुरु सिखा रहे हैं एक पिता एक सके हम बार। मेरे गुरु नानक साहब जी ने कहा कि जिदन तुहाड़ी सुरत अपनियां वलगणां तोड़ के इदां सड़कां ते आ जाएगी ना जी,
सफरे शहादत दे विच लगातार हर बुलारा ये कौम दे रागी साहिबान बैठे है, हर बुलारा श्री दरबार साहब सचखंड दे हजूरी कीर्तनी है जिन्हां नूं बड़े अदब दे नाल लोक कहिंदे साडे घरां च चरण पाओ। अज की कारण है कदी इथों दी लंघदे आ भाई साहब तुसीं सोचिया होएगा कि इस सड़क दे विचकाए बैठ के असीं चौंकड़ा मारांगे। हजारां वार इथों दी तुसीं लंघ के गए होवोगे, ये मिट्टी कट्टा उडांदे असीं अगे गुजर जांदे सी। कदी आ वेखो वाइन शॉप लिखिया ते अज इत्थे की बन गया जी सचखंड। तहां बैकुंठ जह कीर्तन तेरा, असीं जिथे बैठदे आ असीं दिल्ली दीआं सड़कां नूं सचखंड बना दित्ता। वेखो जी इहदे तों वड्डी करामात की होणी। ठीक है हाकम नाल ते नजिठना ही नजिठना है, पर असीं इह ना सोचियो भी अजे तक की खट्टिया। असीं हुण तक बहुत खट्टिया, एक एक पल खट्टिया, एक एक छिन खट्टिया। असीं घाटे विच नहीं आ, इंसानियत जाग रही है, एकता बन रही है, वितकरे खत्म हो रहे हैं, वंडियां खत्म हो रही हैं। ते गुरु नानक साहब ने कहा सी जिद्दन तुसीं जाग पे ना अंदर ज्ञान का दीवा जग पिया, ते यकीन करियो फिर केवल गुरुद्वारे ते मंदरां दीआं कंधां दे अंदर धार्मिक स्थान नहीं रह जाणगे, ये सारी धरती धार्मिक स्थान बन जाएगी। राती रुत्ती थित्ती वार, पौण पाणी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मशाल। सारी धरती धर्मशाला है, धर्म कमाउण दी जगह है। वह वलगना तो केवल साडा ट्रेनिंग सेंटर है जी। कोई मंदिर विच जा रहा है, कोई मसीत विच जा रहा है, कोई गुरुद्वारे विच जा रहा है, कोई चर्च विच जा रहा है, वह केवल साडा ट्रेनिंग सेंटर है, साडी स्कूलिंग है। असल विच धर्म स्थान की है, धर्म कमाउण दी जगह की है, ये सारी धरती। तो कमाल हो गई, हाकम ने वैसे परोपकार भी बड़ा किया। आपां इह सड़कां ते बैठ के सचखंड कित्थों बनाउणा सी, बहुत वड्डा परोपकार साडे ते होया। असी कुरान मजीद दीआं आयतां सुन के चकारे कित्थे छड्डणे सी। जदों भीड़ा गुरु ने एवें नहीं कहा दुख दारू दारू बन गया साडे वास्ते जी, दुख अगलिया ने दुख दिता सी, उन्होंने साडे को रोटी खोण दा यतन किया सी। पर करिश्मा वेखो की होया, वो रोटी खोण दा यतन कर रहे हैं, असी बदाम खा के अपना ढिड भर रहे हैं। सत श्री अकाल। ये करिश्मा नहीं वापर रहा जी, ये करामात वरत रही है, भगवान की खुदा की वाहिगुरु की करामात वरत रही है। और तुहाडे नाल यकीन करियो, लोकी पुछदे ने ना गवाही कौन कर रहा, फंडिंग कौन कर रहा है, तुहाडी अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर भगवान तुहाडी फंडिंग कर रहा, तुहाडी अगवाई आप कर रहा विच बैठ के। सत श्री अकाल। बहुत बहुत खुशी का मौका है। ठीक है वैराग का समय, पर खुशी इसलिए है कि जो कुछ कथन कर रहे हो तुसी कमा के दस रहे। छे पो तो तेरह पो तक की मैं गल करांगा, मतलब 20 दिसंबर तो लैके 27 दिसंबर तक केवल 7 दिन की चर्चा मैं तुहाडे नाल करनी है। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज के समुचे सरबंश नूं तुसी ये समागम समर्पित किया साध संगत। और जिथे नहीं समझ आएगी मेरे वीर बिना झिझक मैनू तुसी उठ के कह दिओ, मैं हिंदी विच समझाउण दा यतन करांगा जिहड़ा भी हीला मेरे कोलो बनेगा। पर मैं चाहुंदा कि तुसी जदों एक सुर होवोगे ना ते तुसी बहुत मनोबल तुहाडा उच्चा होएगा, तुहाडे अंदर दृढ़ता आएगी, तुहाडे अंदर शक्ति आएगी। इसे दिल्ली की धरती उत्ते यह सितमा की नगरी जुलमां की नगरी सी, धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी सीस कलम कराते हैं। इतने सरमद वर्गे फकीर खुदा प्रस्त इतों का जाबर हाकम मस्जिद दीआं पौड़ियां विच सरमद नूं कतल करवा दिंदा है, जिहड़ा खुदा तो बिना बोलता ही कुछ नहीं सी। ये पत्थरां दा शहर कठोर चित हाकमां दी धरती बन गया। तो इस धरती उत्ते बाबा बंदा सिंह बहादुर जी नूं ना यह सुनियो ध्यान नाल, इस समागम का लाभ की होना, संघर्ष नूं की फायदा होना है। इस धरती उत्ते बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं लियांदा गया, फरखशियर बादशाह सी। रोज का 100 सिख कतल होने लगा, 740 सिंह उहदे नाल सी। रोज का 100 सिख कतल होने लगा। एक अंग्रेज इत्थे विजिटर मौजूद सी, उस वेले विजिट वास्ते आई हुई सी, ईस्ट इंडिया कंपनी उदों भारत विच आ चुकी सी। तो अंग्रेज बीबी लिखदी है कि मैं रोज का 100 ईसा सूली उत्ते चढ़दा होया वेख रही हां, रोज का 100 ईसा। मैं तो एक ईसा की बात सुनी सी। तो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के पुत्र का कालजा कढ़न लगे, छुरा मार के हुक्म होया फरखशियर का
कि मोह बड़ी वड्डी कमजोरी हुंदी है। बंदा कहिंदा मैं अपने शरीर उत्ते बड़ा कुछ जर लवांगा, औलाद दा दुख वेख्या नहीं जांदा। सब तो पहला कहिंदे जी हुक्म होया बंदा सिंह दे पुत्तर दा, चार साल दे अंदर पुत्तर सी बाबा अजय सिंह, छुरा मार के कालजा कढ़िया ते बंदा सिंह बहादुर दे मूंह विच पुत्तर दा कालजा तुन दिओ। आगू वीरो मेरी एक बेनती है तुहाडे चरणां च, तुहानू बाबा बंदा सिंह बहादुर ने जमीना दे वारस बनाया, ते बाबा बंदा सिंह बहादुर जिथे सानू सरदारी दे रहे ना, जमीना दे वारस किसान बना रहे हैं मुजारियां तो, उत्थे एक गल होर बाबा बंदा सिंह बहादुर को सिख लियो कि आगू का गुण की हुंदा। मेरी हथ बन के बेनती है तुहानू रब दृढ़ता दवे ते असी तुहाडी पिठ दे उत्ते चट्टान वांग खड़े हाँ, सानू तुहाडी नीयत उत्ते बहुत भरोसा है, पर आगू का गुण की हुंदा? त्याग। आगू का गुण की हुंदा? कुरबानी। आगू का गुण की हुंदा? एका, अपने काफले नू एक मुठ करना। आगू का गुण की हुंदा? सच ते पहरा देना, अंदरों बाहरों एक कुछ निर्मल होना। ते आगू का गुण की हुंदा? बाबा बंदा सिंह बहादुर कहिंदे एडी वड्डी कुरबानी का मुजस्मा आगू होवे कि जे लोड़ पवे ते अपने पुत्र दे कालजे का स्वाद भी चख सकदा होवे। कदी भी किसे कौम दा सफल आगू नहीं हो सकता, किसे जथेबंदी दा सफल आगू नहीं हो सकता, जड़ा अपने पुत्तां दी सरदारी वास्ते अपने काफले नू अपनी जमात नू अग विच झोक के रखदा। इस गल दा चेता रखना जी, बाबा बंदा सिंह बहादुर दे पुत्तर दा कालजा कढ़न दा हुक्म होया ते उहनां नू इक गल कही, वक्त दे हाकम ने कहन लगे तैनू पता जिहड़ी सरहंद ते तू हमला कीता सी ना, जिथे तू सिख राज कायम किया, साढ़े 700 साल की हकूमत खत्म करके उस सरहंद की धरती उत्ते गुरु गोबिंद सिंह जी के पुत्रां नूं भी इदां ही तड़पा तड़पा के असीं शहीद किया, जिवें तेरे पुत्र नूं करन लगे हाँ ते जिवें तैनूं करांगे। वह इसलिए कहा सी कि बंदा सिंह की रूह कंब जावे, पुत्र की मौत किदां होएगी। पर बाबा बंदा सिंह बहादुर ने कहा तेरा धनवाद मित्रा, तू मैनू गुरु के पुत्रां दी याद दवा दिती है ते जदों मैनू अपनी जिंदगी दे अंदर गुरु के पुत्रां दी याद आ जाती है उदों मेरा हौसला बुलंद हो जाता है, उदों मेरे अंदर लड़न की जुलम विरुद्ध लड़न की शक्ति पैदा हो जाती है। इस वास्ते इस बार्डर से बैठ के असीं गुरु के पुत्रां दी बात सांझी कर रहे हैं कि उन्हां दी याद तुहाडे अंदर बल पैदा करे, ठंडे बुरज की सिमरन चेता जड़ा है वह तुहानू हिम्मत देवे कि सीत रातां किवें कट्टीदा। माछेवाड़ी दी याद सरदार अली जी चेते करवा रहे सी तुहानू, कहिंदे जंगल जन्नत हो गया, हुण है ते जंगल सी ते जंगल जन्नत कितना बन गया, सचखंड वैकुंठ स्वर्ग कह लीए, बस इदां ही बणिया सी जी। उत्थे करते दा शुक्र करन वाले ने बैठ के रब दे गीत गाए, जदों तुद बिन रोग रजाइयां दा उड्डन पड़िया ना ते वाकई जंगल जन्नत हो गया। ये जंगल दा देश, ये जंगल दी राज, जंगल ही कहांगे इहनू, जिथे 36-36 साल गलां च टायर पा के साड़े जाण वालियां दा इंसाफ अज तक नहीं होया, इहदे तों वड्डा जंगल किहड़ा होणा जी। पर तुसीं जंगल नूं जन्नत बना दिता, इत्थे सचखंड बना दिता, 6 पोह दी शाम सी, आओ इतिहास नाल जुड़ीए जी। अपनी सुरत नूं श्री आनंदपुर साहब लैके जाना, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी आखिरी वार श्री आनंदपुर साहब दीआं गलियां विच दी गुजरे। सरहंद तों बहुत सारी संगत आई है, वड्डा काफला लैके आए सारे गुरमुख वीर मेरे नाल, इन्हां ने इतिहास नूं काफ़ी बारी सुनिया होएगा, पर मैनूं पता बहुत सारे वो वीर बैठे आ जिन्हां ने इतिहास पहली बारी सुनना। तो जे मैं फिर अर्ज करदा मेरे हरियाणे वाले वीरां नूं दिक्कत आउंदी है तो मैं हिंदी च बोल सकदा, कोई गल नहीं, कोई दिक्कत ते नहीं वीरो? ठीक है। महाराज धन गुरु गोबिंद सिंह जी श्री आनंदपुर साहब तो आखिरी वाग गुजरते हैं, और जिथे गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के सीस का संस्कार होया, गुरु तेग बहादुर महाराज हजूर के जीवन नाल संबंधित दो सीस गंज साहिब ने, एक दिल्ली विच दर्शन करते हो तुसीं जिथे सतगुरु जी का सीस कलम किया गया जलालुद्दीन जलाद वालों औरंगजेब के हुक्म नाल, एक श्री आनंदपुर साहब जिथे भाई जैता जी सन्मानयोग भाई जैता जी सतगुरु जी का सीस लैके पहुंचे ते संस्कार सीस का आनंदपुर साहब किया, उन्होंने भी सीस गंज साहब कहते। उत्थे सतगुरु जी ने अरदास कीती जी, ते अरदास करके तुहाडे वांग इकट्ठ सी, उन्होंने मुखातब होके महाराज ने कहा कौन सेवा संभालेगा, असीं आनंदपुर साहब तो कूच करांगे। भाई गुरबख्श जी की झोली सतगुरु जी ने सेवा पाई,
छे पो की शाम जी इस बारी 20 दिसंबर बनता सी सतगुरु जी आनंदपुर साहब तो काफिला लैके तुरदे आ गुरु के चारे पुत्र नाल ने अल्लाह यार खां जोगी दे लिखे हुए बोल जिवें मुसलमान वीर धन गुरु गोबिंद सिंह जी की तारीफ कर रहा सी ना जी इदां बहुत सारे मुसलमान प्रेमी ने जिहड़े गुरु दे आशक सन यह हकीकत जिहड़ी वीर आख रहा सी कि वह जंग युद्ध किसी मजहब के विरुद्ध नहीं किसी फिरके दे विरुद्ध नहीं वह स्टेट नाल सी वह जुलम नाल सी ते ये नहीं कि 23 पो 27 दिसंबर तो बाद 13 पो तो बाद खत्म हो गया ये नहीं कि 1710 विच जंग जित के खत्म हो गया ये नहीं कि 1764 विच जैन खान नूं मार के खत्म हो गया वह जंग अज भी है ते वह जंग सदा रहेगा जिन्नी देर दुनिया उत्ते जालम जुलम करते रहेंगे किरतियां उत्ते मेहनत कशां उत्ते उन्नी देर गुरु गोबिंद सिंह का खालसा जंग जारी रखेगा सत श्री अकाल तारों की शाओ में किले से सतगुर रवा हुए कस के कमर असवार सारे जवां हुए कुछ आगे लिए निशान शेरे ज्या हुए कुछ पीछे जान निसार सतगुर दरमया हुए इदां दा काफला जी निशान साहब लैके सिख अगे चलन लगे कुछ सिंह पिछे हन चारों पिसर हजूर के महाराज के दिल के टुकड़े गुरु साहब जी के साहबजादे छे पो की रात ते सत पो के अमृत वेले तक सतगुरु जी के नाल ने उस तो बाद शरीर करके इस धरती उत्ते ऐसा विछोड़ा पैंदा कि फिर कदी मिलाप नहीं होया चारों पिसर हजूर के हम रहा सफर थे फतेह सिंह जोरावर अजीत और जुजार थे तो यह काफिला चलता चलता वेखो ये भी एक युद्ध की नीति है वीरो ध्यान दियो जी मैं ना 2-3 बारी आया तो रात को भी आने का मौका मिलिया तो इत्थे वीरां ने एक चैन बनाई हुंदी है मनुखी शरीरां दी रात को पहरेदारी करते हैं नौजवान बहुत वधिया डिसिप्लिन मेनटेन किया हो जागते रहो चेतन रहो कई तरह के वार होने तुहाडे उत्ते मैं फिर बेनती कर रहा कई तरह के इल्जाम लगने हैं कई तरह के तौखले खड़े किए जाने हैं जदों नीयतां खोटियां होण ते कुफर बोलन वाले लोग जड़े ने ना वो इंतहा कर देंदे हुंदे आ जदों कूड़ दा बोलबाला होवे राजे पाप कमाम दे उल्टी वाड़ खेत को खाई ते वाड़ तुहानू आप बनना पैणा मैनूं बड़ी खुशी हुंदी आ जदों रात नूं वीर पहरा देण रहे हुंदे आ ते कई वारी उहनां ने रोकिया वी ते मैनूं प्रसन्नता हुंदी आ वी धन्नवाद तुसीं जिम्मेवारी निभा रहे हो इदां सिंधां दी इक नीति सी कि मनुखी शरीरां दी चैन बना लैनी किलाबंदी कर लैनी ते नाल जंग करदे जाणा नाले अगे तुरदे जाणा इतिहास में जरूर पढ़िया करो संघर्ष करन दी सोझी होर मिलेगी तुहानूं होर चेतना मिलेगी संघर्ष किदां कीता जांदा दुनिया भर का इतिहास जरूर पढ़ो सतगुर सच्चे पातशाह जी दे योधे जंग करदे करदे सरसा दे तट उत्ते पहुंच गए ते इदां ही बैठे सी जी वेखो है किसी नूं काली घर जाण दी असीं कई बार शाम नूं दिल्ली चों निकलदे हुंदे सी ना ते मैं वीर अपने साथी नूं कहिंदा हुंदा सी गड्डी भजा छेती घर पहुंची आ बैठे ठम्मे नाल किड्डा सबर है जी किड्डा धीरज है रब दे रंग विच बेपरवाह छत दे हेठां समान दी छत थले आ फकीर बैठे ने ओ पापी हाकमा आ इन्हां दे पैरां नूं चुम तेरे पाप धोते जाण सत श्री अकाल ये फकीर बैठे ने दरवेश बैठे ने बाबे नानक दे तीन सिद्धांत किरत करनी है वंड के छकना है ते रब दे भाउ च रहना है ये तिन्ने गुण ये फकीरां दे अंदर ने ये चतुराइयां नहीं जानते ये चालबाजियां नहीं जानते ये दिखावा नहीं जानते ये मन की बात करनी जानते है आ सुन के ते वेख किड्डी बदकिस्मती उस मनुख दी तेरे दरबार उत्ते कातल नहीं आए हुए फकीर आए हुए ने दरवेश आए हुए तेरे दरवाजे ते बैठे ते ओदे तो वड्डी बदकिस्मती कोई नहीं हुंदी जिदे दरवाजे उत्ते बैठ के फकीर जड़ा दुख भोग रहा होवे समझ लो उस राजे दे राज दे गरकण दा वेला आ गया सत श्री अकाल सच्चे पातशाह महाराज सरसा दे तट उत्ते इदां ही बैठ मैनूं दर्शन उदां ही हो रहे संगत बैठी है जी तुहाडे विचो संगत विचो गुरु दिस रिहा तुसीं सुरतां जोड़ के ना थोड़ा जिहा स्वै मान जगायो आण पहुंचे सतगुरु सरसा नदी के पास थी चाहत के बुझाएं 12 पहर की प्यास और बहुत खुशकिस्मती है जिथे तुसीं संघर्ष दीआं तकरीरां करदे हो जिथे तुसीं भविख दीआं व्यौंतां बणाउंदे हो उत्थे इत्थे सवेरे अमृत वेले नाल नितनेम करदे हो यह रूहानी सुकून का पला ना छड्डियो तुहाडे अंदर मनोबल बड़ा उच्चा होएगा
यकीन करियो जी, आन पहुंचे सतगुरु सरसा नदी के पास, थी चाहत के बुझाएं बारह पहर की प्यास, वाहेगुरु का नाम जपें और करें सापास। वीरो सापास दा अर्थ हुंदा शुकर। आ सुनियो जी ध्यान नाल, तुहाडे अंदर खेड़ा आ जाएगा। हुण जिहदा घर छुट गया, जिहदा सब कुछ उजड़ गया, जिहदे सिर दे उत्ते, जिहदे पुत्तरां दे सिर ते मौत मंडरा रही है, वक्त दा हाकम 10 लाख फौज चाढ़ी बैठा है, अगे किथे जाना, टिकाणा कोई नहीं है, मुसीबत बन के सामने सरसा वह रही है, नदी वह रही है, ते ओ गुरु गोबिंद सिंह जी कहिंदे बैठो दो घड़ियां वाहिगुरु का शुक्र करिए। कमाल हो गई है जी। इन्हां सीत रातां विच बैठ के आ लोग मावां पुत नहीं सांभ रही, लोगों को बिपता बनी होवे, ते तुसी बच्चियां नूं नाल, मैं वेख रहा सी मावां नूं निक्के निक्के बच्चियां नूं नाल लैके, और यकीन करियो किसान वीरो अद्धियों वध ओह लोक ने जिहड़े किसानी नहीं करदे, ओह वी तुहाडे पिठ पिछे आके खड़े आ, क्योंकि इंसानी हिरदा रखदे आ। सारे किसान नहीं बैठे हुए, ते इह मेहना नहीं, इह माण वाली गल है, इहनूं कहिंदे अंदर इंसानी दिल धड़कदा है। उन्होंने की किया, कहिंदे आओ वाहिगुरु का शुकराना करिए, दुखां विच मुसीबतां दे विच आओ करता पुरख का शुकराना करिए, तुसीं वी शुकराना करना ना छड्डियो। जड़ा दिन गुजरता है ना, शाम नूं चौंकड़े मार के जरूर शुकराना करिया करो कि हे मालिक परवतगार, भावें खुदा कह के करियो, भावें राम कह के करियो, भावें वाहिगुरु कह के करियो, करियो जरूर के मालिका तेरा शुक्र है, अज का दिन साड़ी इज्जत पत नाल गुजार दिता है, सानू बल दिता है, अगला दिन चढ़ेगा फिर कहो मालिक जी अज फिर साडे परदे कज लियो, ते असी इज्जत पत दे नाल सबर संतोख दे नाल अपना संघर्ष लड़ते रहिए। अरदास बड़ी शक्ति दिंदी है, रूहानी बल दिंदी है। महाराज कहिंदे शुकराना करना, जप जी का जाप इस घड़ी करना जरूर था, पढ़ के गुरु ग्रंथ को भरना जरूर था। अगे की होया वेखो जी, किड्डे कमाल की गल है, ते हो सकदा तुहाडे नाल भी हो जाए, मैं तां दसन लगा। था सर पे वक्त आ गया आसा की वार का, साजों के जोरो बंब और चढ़ा उतार का, मनसा था कलगी धर के दिले बेकरार का, मौका मिले तो कर ले भजन किरदगार का। कहिंदे आओ बंदगी करिए, आओ कीर्त करिए, आओ भजन करिए जी। जब महवे बंदगी हुए नानक के जानशीन, जदों रब दे प्यारे बंदगी च लीन होए ना जी, इबादत विच लीन होए, भगती विच लीन होए, टूट पड़े खालसे पे कई लाइन, लानत उन्हां लोकां दे उत्ते जिहड़े शांति नाल बैठ के बंदगी कर रहे सी, अपने इष्ट नूं चेते कर रहे सी, ते लख लानत कई अल्लाह यारखां जोगी ने कि उन्हां शांति नाल बैठिया होया उत्ते जिन्हां ने जुल्म टाया, जिहड़े सहज नाल बैठे उन्हां ते पाणी दीआं बुछाड़ां, उन्हां दे उत्ते गैसां दे गोले, इहदे तों वड्डी लानत की होणी है, इतिहास लानतां पा रहा। अमृत वेला संभालिया, सत पोह हो गई है, अगला दिन चढ़ चुकिया, तारे छिप रहे ने, ते सच्चे पातशाह महाराज सरसा नूं पार करदे आ। सरसा पार करदिआं परिवार खेरू खेरू, पिछले पासिओं बहुत वड्डा दुश्मन दा हल्ला सी, अगले पासे बरसाती नाला सरसा हड़ आया होया, इत्थे परिवार विछड़ गया जी। हुण जिन्हां ने नहीं इस इतिहास नूं सुनिया, ज्यादा सुरत ला के सुनिओ। सच्चे पातशाह हजूर दे महल, उन्हां दी पत्नियां माता सुंदर कौर, माता साहिब कौर, उन्हां दे नाल दिल्ली दे सिख ने जी, भाई जवाहर सिंह ते भाई धन्ना सिंह। पुरानी दिल्ली दे विच इक मोहल्ला है कुचा दिलवाली सिंह, जिहड़े इत्थे दिल्ली दे वासी है उन्होंने जरूर वेख्या होएगा जी। उत्थे जवाहर सिंह जी की वड्डी हवेली सी, वड्डा कारोबारी सी, दुकानदार वणज करन वाला बाणिया सेवक सी गुरु साहब दा, नाल भाई मनी सिंह जी ने, जिन्हां दे सहुरे दिल्ली विच ने रकाबगंज साहब वाला स्थान, उन्हां दे सहुरियां दा घर सी भाई लक्की शाह वणजारा जी, जिन्हों अग ला के गुरु तेग बहादुर महाराज दे धर दा संस्कार किया सी। दो टहलना सन बीबो ते भागो, उन्हां दे नाल एक रात रोपड़ विच कट के उच्चा खेड़ा मोहल्ला, कदी रोपड़ जाओ ते दर्शन जरूर करियो, उत्थे कदी नौवें पातशाह जी ने भी चरण पाए सी, अज भी वह पुरानी बिल्डिंग मौजूद है। फिर अगले दिन ये दिल्ली नूं चल पे सन, क्योंकि दिल्ली चंगी ठाहर सी उन्हां वास्ते। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी वड्डे पुत्तरां दे नाल चमकौर दी गढ़ी च पहुंचदे आ, जिथे रस्ते च निहंग खां पठान मुसलमान प्रेमी
इस बिपता दे वेले औरंगजेब दे कहर तो बेपरवाह होके कहिंदा महाराज मेरे घर चरण पाओ। शरदावान सी तो महाराज जी दे घर रुकण तो बाद मैं संखेप बात करा, गुरु साहब चमकौर साहब पहुंच जाते हैं। हुण चमकौर साहब पहुंचन दा बड़ा कमाल दा एक नजारा, अल्लाह यार खां जोगी कहिंदे आ ना जी, जिस खिते में कहते थे आना ये वही है बेटों को यहां कटाना ये वही है लुट के यहां से जाना ये वही है, मिट्टी कह देती है ठिकाना ये वही है। रात पई ते जिहड़े सिंह आनंदपुर साहब तो लैके रोपड़ तक जंग करदे आए सन, जूझदे आए सन, पैदल चल के जिहड़े चमकौर तक पहुंचे ने, हुण शरीर हंभ गया, कई दिनां दे भुखे ने, बरसात हो रही है, सरसा दे हड़ ने कपड़े भिजे पए आ, झंबे होए निसल होए, पर अंदर चढ़दी कला विच है। गुरु दे भरोसे उत्ते किन्नी बेपरवाही दी नींद सौंगे जी, भरोसा गुरु दा, हाकम कुछ भी कर सकदा है, पर जिन्हां दे कोल गुरु दा भरोसा है ना, वह गुरु दी टेक उत्ते सूली दे उत्ते भी सौं जांदे आ। पर जिहड़े गुरु तो बेमुख हुंदे आ उहनां नूं मखमली रब तो बेमुख होए, जिन्हां दे अंदरों इनसानियत मर जांदी आ, क्रूर चित हो जांदे आ, यकीन करियो वह जुल्म करन वालियां दे किते नेड़े होके वेखियो, उहनां नूं मखमली गद्दियां ते वी नींद नहीं आउंदी, तुहाडे हौके ते हावे कदी उहनां नूं चैन की नींद सौण नहीं देणगे। ये गुरु ने बचन कहे ने, जदों कोई गुरु तो बेमुख हुंदा ना ते महाराज कहिंदे अंतर चिंता नींद ना सोवे, इदां दी दशा बनदी है। कुछ खाक पे सो गए जी पोश बिछा कर, कुछ पहरा लगे देने तलवार उठा कर, गोविंद भी शाबाश हुए खेमे में जाकर, जब देखा तो बैठे हैं गर्दन झुकाकर, है वाहेगुरु वाहेगुरु मुंह से निकलता है तू ही तू तू ही तू। हाँ गल चेते च रखनी, मैं नहीं करनी जी, संघर्ष करना जूझना। वो 40 सन 10 लख दे मुकाबले उत्ते, ते चिंता ना करियो तुसी लखां विचो, कोई चिंता नहीं करनी, पर मैं नहीं करनी, कहना है तू ही तू तू ही तू। जदों मैं आ जांदी है ना उदों काम गड़बड़ हो जांदा जी, सिक्ख्या ही लैनी है बस आपां संघर्ष। वो केवल 40 सी ते अगले पासे 10 लख सी, तुसी लखां विचो चढ़दी कला विच रहे हो। वेखो इहदे तों वड्डी चढ़दी कला क्यों नहीं, दुनिया दे वड्डे वड्डे देशां दीआं फौजां जे किते उहनां नूं अपने देश तों 400 किलोमीटर दूर जाके 500 किलोमीटर दूर जाके लड़ना पै जाए ते वड्डियां वड्डियां ताकतां दे हथ खड़े हो जांदे आ, ओ डेरा बाबा नानक तों ट्रालियां लै के ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 600 ਮੀਲ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿੱਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਲਤਨਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਉਹ ਹੰਭ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਆਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਰੱਬੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਸਵੇਰੇ ਵੈਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੇਵਕ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਨ ਸਿੰਘੋਂ ਨੇ ਕੱਲ ਮੌਤ ਕੇ ਸਾਹਿਲ ਥਾ ਉਤਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰੋ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਬ ਡੇਢ ਘੜੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰੀ ਜ਼ਿਕਰੇ ਖੁਦਾ ਮੇ, ਖੈਮੇ ਸੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾ ਮੇ, ਕਦਮੋਂ ਸੇ ਟਹਿਲਤੇ ਹੈ ਮਗਰ ਦਿਲ ਹੈ ਦੁਆ ਮੇ, ਕਹਤੇ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੂੰ ਖੁਸ਼ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਮੇ, ਕਰਤਾਰ ਸੇ ਕਹਤੇ ਹੈ ਗੋਆ ਰੂਬਰੂ ਹੋਕਰ, ਕੱਲ ਜਾਊਂਗਾ ਚਮਕੌਰ ਸੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਕਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੜੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਗਤ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਘਾਲਣਾ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ।
कई बार साड़ियां अकलां इन्नियां चतुर हुंदियां कि उह साड़ी चतुराई कई संघर्षां दा नुकसान कर दिंदियां। अपनियां अकलां अपनियां चतुराइयां अपनियां नफरतां उह पिछे पिछे छड्ड आओ ते इत्थे आके जो बोलना उह पॉजिटिव बोलना है क्योंकि तुहाडा एक एक शब्द संघर्ष की शक्ति नूं वधाउण वास्ते है कमजोर करन वास्ते नहीं। एक अखर मेरी हाथ जोड़ के बेनती है स्टेट सैकटरी साहबाना सारे बुला रहे हैं। ठीक है कई तरह की थिंकिंग होंगी हर बंदे की एक अखर इस स्टेज तो नैगेटिव ना बोलिया जाए। बहुत सारिया गल्लां होंदियां जिदे नाल असीं सिद्धांतक तौर पर कई मतभेद रखते हैं जिवें अपने परिवार में माँ पुत दे प्यो धी दे पति पत्नी के सौ मतभेद होंगे है पर जदों वो किसी मुसीबत लई जूझदे आ ते फिर उत्थे अपने झमेले पा के नहीं बहिंदे उदों केवल सानू सामने निशाना दिसना चाहिए अपने झमेले बाद विच लिबड़ा। ये मेरी बेनती है तुहानू हाथ जोड़ के गुरमुखो जिन सिंघों ने कल मौत के साहिल था उतरना जिन खालसों ने कल जंग में है मरना स्नेह करना जी उन्हां दे नाल। महाराज सारे प्यारे पुत्तां ते सिखां वल वेखदे आ ते उन्हां दे दुआले टहलदे जदों सराहणे वल आउंदे आ ना जी ते अल्लाह यार खां जोगी कहिंदे वी सतगुरु जी दी जिहड़ा अंदर दा प्यार सी ना उहने जकड़ लिया हम प्रेम बंधन तुम बंधे। मुश्किल हुआ इस जान से कदम आगे को धरना उत्थे बैठ गए अपने प्यारे सिखां ते पुत्तां दे कोल। प्यार तो बिना संघर्ष कित्थे लड़े जांदे साध संगत जे प्यार मनफी कर दिए ना ते फिर खाली डब्बे वांग जिवें ओ खाली भांडे खड़कदे ने ना जी इदां ही खड़कदे रह जांगे। इन्हां भांड्यां नूं प्यार नाल भर के रखियो लखां वी इकट्ठे हो जाणगे ते खड़कणगे नहीं खाली ही खड़कदे हुंदे। इसलिए गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा सी जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। महाराज सच्चे पातशाह हजूर उन्हां दे मत्थे चुमदे आ उन्हां दीआं गर्दनां चुमदे आ चूमा कभी हलकूम दहन चूमने बैठे कदी हलक चुमिया गला चुमिया कदी मत्था चुमिया ते अल्लाह यार खां जोगी कहिंदे ओह दुनिया विच कोई इदां दा प्यार करन वाला गुरु नहीं वेख्या। जदों टहल दे सेवकां दे पैरां वल आए ना जब पैंती प्याए तो चरण चूमने बैठे उन्हां दे पैरां नूं चुमिया कि वाह धर्म कमाउण वालिओ किन्ना सफल जीवन होएगा जड़ा सच तो कुर्बान हुंदा जड़ा सच लई जूझदा उहदा जीवन उहनां दा तन ते मन किन्ना पवित्र हो जांदा कि गुरु गोबिंद सिंह सच दे धर्म दे संघर्ष नूं लड़न वालिआं दे कदम चुम्मदे आ। सति श्री अकाल। तुसीं बहुत भागां वाले हो तुहानूं मौका मिलिआ मेरे बच्चे नाल आए ने ते मैं लै के आया कि किते इह संघर्ष दे विच तुसीं फाड़ी ना रह जिओ इतिहास बनना इस संघर्ष ने ते तुसी जिंदगी च माण करिया करोगे अपनी संतान दे अगे भी कि जदों सच लई संघर्ष लड़िया जा रहा सी असीं उस संघर्ष दे विच जाके बैठे हुए सी। मेरी ना ये विदेशां वाले सारे वीर कैमरे ला के बैठे है सारे सारे पीटीसी चैनल चढ़दी कला टाइम टीवी के टीवी संगत टीवी सिख टीवी अकाल टीवी होर बहुत सारे सारे चैनल जिहड़े आ उपकार टीवी सफरे शहादत चैनल सब रिले कर ले। मेरी एक बेनती है खास करके विदेशां वाले वीरां नूं तुसीं लंगर ला दिते आ मशीनां भेज दित्तियां कपड़े धो रहे हो प्रशादे छका रहे हो तुहाडा धन्नवाद है पर मेरे वीरो एक प्रैशर एक सुनेहा एक फोन अपने परिवारां नूं रिश्तेदारां नूं रोज करिया करो कि जे अजे तक बॉर्डर ते नहीं ना गए दिल्ली ते समझ लो असीं तुहाडे नालों नाता तोड़ लेना। ये बहुत वड्डा तुहाडा फर्ज है तुसीं ज्यादा चेतन हो साडे नाल भावें तुसीं उहनां नूं किराया भेजो भावें तुसीं उहनां दी किवें भी मदद करो ते उहनां नूं इस गल दी पूरी तरह उत्साहित कर दिओ पूरा जज्बा भर दिओ भी रिश्तेआं दी सांझ हुण तां है असीं भी सारे ही पई ये गल पक्की है। मैनूं एक वीर दा फोन आया समागम वास्ते हुणे ही तुरे आंदे सी मेरे नाल सरपंच साहब गड्डी लैके आ रहे सी उस वीर दे ना कुदरती जदों मैं फोटो वेखी ते जिन्हां नूं गुरदासपुरियां ने बड़ी रीझ नाल चुणिया उस लीडर दी फोटो लगी हुई सी गूंगा ते बोला बेचारा एमपी चुण के भेजिया गुरदासपुरियां ते उहने गुरमत समागम लई सद्दिया सी। मैं उहनूं वीर नूं कहा भी मित्रा गल्लां दो ने जां ते इहदे कोलों बुला दे भी इंसानियत दे नाते वक्त दे हाकमा अपना दिमाग ठीक कर लै ते आ ये मंगते बन के नहीं आए हक लैण आए आ कि इहनां दा हक इहनां नूं मोड़ दे ते जां फिर सज्जना
तू नाता तोड़ ला जा मैं नाता तोड़ लेना तेरे नाल। सत श्री अकाल। सो एक गल पक्की है भी हुण नाता उहदे नाल ही है जिहड़ा संघर्ष विच आके बैठेगा, यह गल पक्की है जी मेरे वल्लों ते क्लीयर है भाई, नहीं तो नाता कोई नहीं है। आपां पुछ लवांगे भी तेरे घर दा तेरे घर का मित्रा पानी तां पीना है जे संघर्ष विच जाके बैठेगा। बच्चा बच्चा रह ना जावे कोई पंजाब हरियाणे का, खास करके जिम्मेवारी हरियाणे ते पंजाब वाले उत्ते आ, बाकी दे वीर चलो दूरों ने वो जिन्ना सहयोग कर रहे हैं बहुत वधिया। ते ये गल तुसीं हरियाणे वाले वीरो ठीक है जी मंजूर है गल? वाह 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 धन्नवाद तुहाडा। सो ये हुण पक्की तरह मोहर ला लो भाई साडी रिश्ते, जिहड़ा बंदा जिहड़ा दुख वेले नहीं खड़िया वह रिश्तेदार कहदा भाई हुण दुख बनिया साडे उत्ते, ते अगला कहे नहीं नहीं जदों विआह होएगा उदों मिलांगे, अज आ ना मिल इत्थे आके शंभू बैरियर आ जिहड़ा सिंघू बैरियर दे उत्ते, बाद विच मिलन दा की फायदा जफ्फियां पा के अज मिल जफ्फी पाउण दा फायदा अज है। सो ये गल्लां सारे रिश्तेदारां नूं एक वारी कह दिओ। तुहानूं गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज प्यार कर रहे हैं, जिहड़े संघर्ष दे राह तुरदे आ उहनां दे कदम चुम रहे आ महाराज धन कलगीधर पातशाह, वह किन्ने पवित्र कर कदम होंगे होणगे जिहड़े हक्कां लई लड़दे आ, जिहड़े इनसानियत लई लड़दे आ, जिहड़े जालमां दे विरुद्ध लड़दे आ, वह पवित्र हो जांदे तन वी ते मन वी। दिन चढ़िया अठ पोह दा शहीदियां दा सिलसिला शुरू होया, महाराज धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने पुत्तां नूं तैयार करके भेजिया, सिखां नूं तैयार करके भेजिया। गुरु साहब जी दे दोनों ही वड्डे पुत्तर बाबा अजीत सिंह ते जुझार सिंह अखां दे सामने शहीद हो गए। ते जदों अजीत सिंह जी की शहादत तो बाद छोटे लाल ने शहीदी का महाराज को आग्या मंगी ना जी, मैं इत्थे दो बोल जरूर दसने चाहता सोहन सिंह सीतल जी के लिखे हुए, मैनू पता तुहानू बल मिलेगा इह सुण के गुरसिखो नौजवान वीरो योधियो। अज किड्डे कमाल की गल है, मैं एक बोल पढ़े सी किसी दार्शनिक दे, कहिंदा तुसीं मैनू दसो कि तुहाडी जिहड़ी पीढ़ी है आउण वाली वह की गुण गणाउंदी है, ख्याल करियो वो बोल सी दार्शनिक दे, तुसीं मैनू दसो कि तुहाडे बच्चे तुहाडे नौजवान की गुण गणाउंदे है की गाउंदे है। वेखो जिहड़ी जवानी है ना इह जवान तो कुछ ना कुछ गुण गणाउंदी है, ते जदों गुण गणाउंदी है ते उहदे जज्बात उजागर हुंदे आ। कहिंदा मैनू दसो कि तुहाडे बच्चे नौजवान की गुण गणाउंदे ने ते मैं दसांगा कि तुहाडा भविख की है। पर अज वेखो साडी किस्मत किड्डे कमाल दी है, साडे नौजवान वह गुण गणा रहे ने जिहड़े साडे गायकां ने साडे सामने इनकलाबी गीत परोसे ने। अज गुरु गोबिंद सिंह दे तराने गुण गणा रहे ने, अज गाया जा रहा देश सेवा वर मोहे है, शुभ करमन ते कबहू ना डरूं ना डरूं आरसों जब जाए लरूं, निश्चय करे अपनी जीत करूं अर सिख हूं अपने ही मन को, यह लालच हों गुण तौ उचरों जब आव की औद निदान बने। जिदन ओड़क हो गई मालका जिंदगी भी कुर्बान करनी पई ते पिछे नहीं हटांगे, अत ही रण मैं तब जूझ मरूं। सत श्री अकाल। जदों गाओगे ना ते संघर्ष चढ़दी कला च जाएगा। मैं वो गायक वीरां दा भी धन्नवाद करदा, तन साडे वो वीर वेखो जज्बा किदां दा, ग्लैमर की दुनिया च बॉलीवुड बैठे अपना भविख नहीं वेख्या, अपने वीरां दे नाल अपने बापूआं दे नाल अपना करियर नहीं वेख्या, लोकी तरसदे ने भी किवें पहुंचांगे बॉम्बे तक। जिन्हें एक हौका भी भरिया ना उन्हूं भी मैं सलाम करदा, ये इंसानियत है। धन कलगीधर पातशाह दे जदों छोटे लाल ने आग्या मंगी ना जी बाबा जुझार सिंह जी ने, मैं भी शहीद होना पिता जी, तो महाराज ने गल ना ला लिया जी, बर्राई सी आवाज में गच भर आया, मोह विच नहीं खुशी दे विच। और सोहन सिंह सीतल जी ने बोल लिखे, कहिंदे महाराज आखन लगे जुझार सिंह 10 लाख दा घेरा आ, मौत यकीनी है, ते जे तू आग्या नाम ही मंगदा तां वी मौत आ जाणी सी, शहीदी तां वी सी आ जा काल। मन लो जे घेरा नाम ही पिया हुंदा जंग ना हुंदी ते तां वी ते शरीर एक दिन मुक्कणा ही है। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कहा, सीतल जी लिखदे आ, महाराज आखन लगे जुझार सिंह शाबाश मेरा सीना चौड़ा हो गया, मैनू ही माण नहीं दुनिया के इतिहास अंदर यह सदा वास्ते अटल नियम कायम हो गया, तू ऐसी पिरत पा दिती है जुझार सिंह, आप छाल मार के शहीदी की आग्या मंग के
कि जदों जदों भी किते सिरां दी लोड़ पएगी जुझारू छाला मार के तेरे वांगू आप कुर्बानियां देन ले आया करन। मैनू कोई बांह खड़ी करके दसे, कोई बांह खड़ी करके दसे कि मैनू फलाने ने मजबूर किया सी, मैं तां आया। कोई किसे दे कहण ते नहीं आया जी, कोई किसे दे कहण ते नहीं आया। मैं एक सच्ची गल तुहाडे चरणा च बेनती करदे आ, ना किसे फिरके करके आए आ, ना किसे प्रांत करके आए आ, ना किसे जथेबंदी करके आए आ, ना किसे झंडे करके आए आ, तुहाडे अंदर बैठी इंसानियत तुहाडी दरवेशी नूं मत्था टेकण वास्ते आए आ। मैनूं वीरां ने कहा सी, मैनूं वीर कहण लगे जी समें दी थोड़ी बहुती एडजस्टमेंट करनी पैनी है, ते मैं उन्होंने कहा मैनूं सारी रात चौंकड़ा मार के चुप करके बैठण लई कहोगे ना, मैनूं वह भी मंजूर है, मैं ते पवित्र रूहां नूं मत्था टेकण आया, मैं कथा करन वास्ते नहीं आया। आ जिहड़े बापू बैठे आ सामने रब दा नां लैण वाले, पता नहीं उस हाकम नूं क्यों नहीं नज़र आ रहा गुरु साहब जी अपने पुत्तां नूं शहीद करदे। मैं कहिंदा मेरा वीर ने कविता बड़ी सोहणी पढ़दा, थोड़ी जी इत्थे कविता नाल सुणा दे। गुरु गोबिंद सिंह दिया पुत्रां ने वैरी नू पाजड़ पा दित्ती, अज वीर अजीत जुझार सिंह ने विच घड़ी शहीदी पा दित्ती। गुरु गोबिंद सिंह दिया पुत्रां ने वैरी नू पाजड़ पा दित्ती, अज वीर अजीत जुझार सिंह ने विच घड़ी शहीदी पा दित्ती। सिंह नाल जो भुखण पाने सी ओना भी हाथ मुका दित्ती, ओना तीरां ते तलवारां मूरे हस हस के शाती डा दित्ती। कीती बख्शिश शोधी अमृत दी, सिंगा रख के लाज बखा दित्ती, अज वीर अजीत जुझार सिंह ने विच घड़ी शहीदी पा दित्ती। जद विच मैदान अजीत सिंह ने लाड़ी मौत नू जा विआया सी, फिर तकिया गुरा जुझार ताई, उन्हां गल विच पला पाया सी। मैनू भी सतगुर तोर दियो हुण मेरा भी मन चाहुंदा ऐ, मैं भी लड़ विच लड़ के शहीद होवां, पिया वीर अजीत बलौंदा ऐ। फिर होके सतगुर पिता जी ने दूजी भी जंज चढ़ा दित्ती, अज वीर अजीत जुझार सिंह ने विच घड़ी शहीदी पा दित्ती। साध संगत भराई सी आवाज में बोले गुरु गोबिंद, पाला है तुझे नाज से बोले गुरु गोबिंद, रोका नहीं आगाज से बोले गुरु गोबिंद, उस नन्हे से जांबाज से बोले गुरु गोबिंद। आओ तन पाक पे हथियार सजा दूं, नन्नी सी कमान छोटी सी तलवार सजा दूं। याद रखियो बंदा दुनिया च किते चलिया जाए, वो आर्थिक तौर ते टुट जाए, वो शरीरक तौर पर कमजोर हो जाए, पर जड़े पिछे संस्कार होंदे ने ना, वो बंदे दी रूह विचों बोलते रहते, वो नहीं कदी मरते।
ठीक है, यह संघर्ष इंसानियत का है, पूरे देश का है, पर साड़ी मजबूरी है सिख खवाउण वालियां दी। अग किते भी लगी होवे असीं बुझाउण लई पहुंचना, भुख किते भी होवे असीं प्रसादी छकाउणी है, वह वक्री गल है कि जो असीं किसी एक फिरके नूं छकाउंदे हां उदों असीं देवते बन जांदे हां, जो असीं अपने लई तुरदे हां उदों असीं अतवादी बन जांदे। वह हाकम दियां वह हाकम दियां अखां दा ऑपरेशन कराउण दी जरूरत है। साडा सुभाअ इक्को ही है ते इक्को जिहा ही रहना है। साडियां नजरां च ना कोई बैरी ना ही बेगाना, सगल संघ हमको बने आई। साडियां नजरां च कोई जात पात नहीं। जे गुरु नानक नूं समझना है ते फिर मानस की जात सभै इक्को ही जात है दुनिया दे उत्ते, कोई वक्री जात नहीं है। तो बड़ी खुशी है अज जदों साडियां साडी ढाल बन के, कदी राजस्थान वाले वीर कदी हरियाणे वाले वीर साडी ढाल बन के अगे होके कहिंदे ने ना वी जे ये परोपकारी सरदारां नूं अतवादी कहना सानू पहला अतवादी आख। सच पुछो मैनू इदां लगदा साडी जिंदगी दी मेहनत दा मुल मुड़ गया जदों तुसीं कहिंदे हो वी असीं ढाल आ ते सरदारां वल उंगल करन तों पहलां साडे वल उंगल करो। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਭਲਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਣੀ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ। ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ। ਸੀਤਲ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਹੱਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ ਜਦ ਲਾਲ ਛਟੇਰਾ, ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦ ਬੇਰਾ ਬੇਰਾ, ਉਂਗਲੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀਰ ਵਡੇਰਾ, जोड़ी जोड़ी हो गया परिवार बथेरा, हाथ बन बोले पातशाह वाह भाणा तेरा, तेरा तुझको सौंप ते क्या लागे मेरा, मैं उजड़ा पंथ वसे मन चाओ कनेरा, वाह वाह गोबिंद सिंह धन तेरा जेरा। जिन्हां लोग कहिंदे सी नीच, वर्ण वंड वाले लोग कहिंदे सी भी ये नीच है ये ऊंच है, मेरे सतगुरु ने एक खंडे बाटे की पहल दे के, क्या दशमेश पिता तेरी बात कहूं, जो तूने पर उपकार किए, एक खालसा पंथ सजा, जातों के भेद निकाल दिए, उस तेग के बेटे तेग पकड़, दुखों के काट जंजाल दिए, उस मुल्क वतन की खिदमत में कहीं बाप दिया कहीं लाल दिए। उस गुरु तो कुर्बान जाइए जी जिन्ह ने भेद मिटा के भाई संगत सिंह जी दे सीस ते कलगी सजाई, भाई संत सिंह जी नूं नगारा सौंपिया, भाई दया सिंह धर्म सिंह मान सिंह पंजा ने जदों बचन किया ते सतगुरु चमकौर की गढ़ी तो तुरे माछीवाड़े पहुंचे जिथे नबी खां गनी खां सेवक बने ते गुरु साहब सच्चे पातशाह जी नूं मोढ़ियां ते चुक के अपना रूह दे विचों पीर आख्या, मुर्शिद आख्या, परवदगार आख्या, ते वाह मेरे गुरु पातशाह प्यार दा मुल बड़ा तारदा तू। महाराज ने लिख के दिता अपने पुत्र कुर्बान कर ले, ते लिखत दिती जिहड़ी अज तक मौजूद है कि नबी खान ते गनी खान जो हैग सो मेरे फरजंद हैग, ये मेरे जिगर के टुकड़े ने, मेरे पुत्र ने नबी खां गनी खां, ऐदा सांझा पाइया सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने। दुनिया नूं दसण दी जरूरत सात संगत, मां गुजरी जी का सफर। बस मैं छोटी जी बेनती करके, चार तो छे वीर ने सानू समा दिता सी, ते मैं हाथ जोड़ के कहा भाई साहब जी उन्होंने भी असी प्रबंध के डिस्टरबेंस नहीं पैदा करनी, साढ़े आगू साहबान जिदा सुचजा प्रबंध करने बहुत चंगा कर रहे हैं। हुण भी मैनू दूजे टिकरी बार्डर तो वीर फोन आ रहे थी, तो मैं उन्होंने अर्ज की सी जरूर आवांगे, पर प्रबंधक साहबाना नाल सारी सैटमेंट करो, एडजस्टमेंट करो, असी विच खलल नहीं पाउणा, अगवाई दे विच जरूर चलना, यह मेरी बेनती है तुहानू सारयां नूं। मां गुजरी जी सतपो, हुण गुरु साहब गुरु गोबिंद सिंह जी सतपो की रात में चमकौर गढ़ी ने, अठ पो नूं पुत्र शहीद हुंदे ने, नौ पो नूं माछीवाड़े आ जांदे, थोड़ा चेते रखना। मां गुजरी जी सतपो की रात सरसा के किनारे सफरे शहादत काफले का पहला पड़ा जिहड़ा हुंदा, बाबा कुम्मा माशकी, यह भी मुसलमान प्रेमी है, खुदा प्रस्त है, इंसान है, आही ते धर्म है सब तो वड्डा। मुसलमान अपनी झुग्गी च पनाह दे रहा है ते लक्ष्मी ब्राह्मणी जड़ी है हिंदू मां सत्कार योग वो भोजन पका के लिया रही है ते गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्तां नूं छका रही है। आ गुलदस्ता आया सात संगत जी, ओ अकल दे अन्नियो अखां तो हीणियो, किते अखां खोल के वेखो, सिख वक्खवादी नहीं हुंदे, सिख जोड़न वाले हुंदे है, जिस देश दी होंद है
जिस देश की होंद है ते वो साडे पुरखियां की बदौलत है, साडा हक है। असी गर्व नाल कहिंदे आ, मान नाल कहिंदे आ कि देश साडे करके है ते साडा अपना है। असी गुरूर नाल कहिंदे आ साडे करके है ते साडा अपना है। उत्थों गंगू मिलदा है सरसा दे किनारे तो अठ पोह नूं, वो अपने पिंड सहेड़ी लै जांदा, उत्थों कैदी बना के वह कोतवाली मुरंडे च पचा दिंदा नौ पोह नूं। उत्थों फिर कैदियों की शकल च मां जी ते साहबजादियां नूं सरहंद लिआंदा जांदा दस पोह नूं, जिन्हों असी सभा कहिंदे आ। ग्यारह पोह नूं सभा विच पहले दिन पेश किया जांदा सतगुरु जी के छोटे लाल बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह जी। फिर बारह पोह नूं पेश किया जांदा ते तेरह पोह नूं शहीदी हुंदी है। गुरमुखो फतवा यह सुनाया जाता जां ते धर्म त्याग दो गुलामी प्रवान कर दो। बस असल च जिद कानूना की नहीं है साध संगत, मैं तुहानू अज भी दस दिया सरकारां उजड़ नहीं जांदियां कितें कानून वापस लैण नाल। गल कानूना की नहीं है, गल गुलामी की है। लत थलों की लंघाणा हुंदा ना जिहड़ा पंजाबी दा सिद्धा जिहा गल मुहावरा, गल ते तुहानू झुकाउण की है, होर कोई फर्क नहीं पैंदा। इह उहनां नूं भी पता है भी इह कानूना कानानां नाल कोई वास्ता नहीं है। गल ते तुहाडे स्वै मन नूं तोड़न की है, तुहाडी गैरत नूं कुचल दी है। भावें इहदे तों दुगणा लैके चले जाओ, उह कहिंदे इक वारी झुक के तुसीं वी कह दिओ जिवें अन्ने भगत जय जयकार करदे आ, पर जिहड़े अणखना जूण वाले आ नहीं करदे भाई कि थोड़ा जू लवांगे। सद साल जीकर भी मरना जरूर है, सदियां भी जू लीए तभी मौत आनी है। सर कौम से बचाकर जीना ये गैरत से दूर है। धर्म नहीं हारिया ते ओड़क ठोडी तक ईंटे चिन्दी, मूँह तक आ गई बीनी को ढांपते ही आंखों पेशा। हुण महसूस करना जी बाबा फतेह सिंह का साह किवें रुकिया होएगा, बाबा जोरावर सिंह का हुण लर्ज उठे कालजे धड़कन रुक गई, दौराने खून रुकने लगा और सांस कम हुआ। ठोडी तक ईंटे चुन दी मूँह तक आ गई बीनी को डांपते ही आंखों पिछा गई, हर चांद सी जबी को मथा कज्जया गया घन सा लगा गई। इसके बाद जोगी जी हुई बस थोड़ी देर थी, ये बस्ती सरहंद शहर की ईंटों का ढेर थी। जुल्म करने वाले दी नगरी दा हशर की होया। मैनू खुशी है मेरी भैन बैठी है गुरमत कॉलेज की प्रिंसीपल भैन मनजीत कौर, ऐदा आईया भैन आखो जड़िया उत्थे बच्चों जिन्हों के अंदर जज्बा स्पिरिट होएगा वह बच्चे श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी कॉलेज की प्रिंसीपल है भैन। ऐदा तुरे आप मुहारे वड्डिया वड्डिया प्यारिया रूह जिन्हें सुख साधन रब ने दिते इतने फरशा से रात कट रहे हैं। ओड़क जुलम का हशर की होया, हठिया का हंकारिया का अंत की होया। फिर सुनियो जी ठोडी तक ईंटे चुन दी जुलम वधदा गया, मूँह तक आ गई बीनी को डांपते ही आंखों पे छा गई, हर चांद सी जबी को घन सा लगा गई, लखते जिगर गुरु के दोनों छुपा गई। इसके बाद जोगी जी हुई बस थोड़ी देर थी, ये बस्ती सरहंद शहर की ईंटों का ढेर थी। हर जालम का यही हशर होया ते यही हशर हुंदा रहेगा जड़ा जुलम तो नहीं हटेगा। गुरसिखो एक सुनेहा कह के मैं समाप्ति करदा। बाबा मोती राम मेहरा नूं भी नमस्कार, दीवान टोडर सब रूहां नूं नमस्कार। एक बेनती करके साहबजादियां ने कहा सी असी जिंदगी कुर्बान कर दित्ती है ते तुसी जिन्नी देर संसार उत्ते तुहाडी होंद है ये नहीं वेखना कि किन्ने बच गए। जे ये वेखना हुंदा ना ते गुरु गोबिंद सिंह जी चौं विचों एक बचा लैंदे। यह नहीं कभी सौदा वेखना कि पिछे की बचिया। जो सच की लड़ाई लड़नी है ना तो फिर पिछे मुड़ के नहीं वेखना। यह साड़ी फितरत है, यह साड़े संस्कार। वाहिगुरु तुहाडा जज्बा बुलंद रखे, यह मैं अरदास करना। तुहाडा जोश बुलंद रवे ते सदा जुल्म के विरुद्ध जूझते रहो। तुसी एक गल कही साहबजादे ने, हम जान दे के औरों की जाने बचा चले। असीं अपने लिए नहीं दूजियां वास्ते लड़ रहे हैं। सिखी की नीम सरों पे उठा चले, इस नीह दे हेठां साहबजादियां दा सिर लग्या। सिंघों की सल्तनत का पौधा लगा चले, गद्दी से तख्त बस सब कौम पाएगी, इस जहां से जालमों का निशान तक मिटाएगी। सत श्री अकाल।
मैं अरदास करदा दो चीजां दी रोज फतेहगढ़ साहिब अरदास हुंदी दोनों वेले कथा विच एक तुहाडी सेहत याबी दी तुसीं सारे तंदुरुस्त वाहिगुरु करे घरां नूं परतो एक तुहाडी फतेह याबी चढ़दी कला दे जकारे गजा के ते तुसीं वेखिओ फिर असीं तुहाडा शंभू दे बॉर्डर दे उत्ते सत्कार किद्दां करदे आं जी सत श्री अकाल ਪੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਸੋਨੂ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਰੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਉਸਤਾਦ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰੀ ਜਖਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਾਫਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦਣ ਵੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਾਫਲਾ ਲਗਭਗ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਯਾਬੀ ਬਖਸ਼ਿਓ ਸਾਰੇ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ